हाय गाइस, सो दिस इज शुक्ला लवर आध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? सो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, सो हाय, मैं हूँ शुक्ला। मैं मेनली प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग और होम स्कूलिंग रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। एंड अगर आप इन सारे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माई चैनल। सो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे कुछ बिगिनर वर्कशीट्स। येस, दिस इज़ अ डीवाई वर्कशीट्स। एक्चुअली ये वीडियो करने का मेरा कोई इरादा वैसे एज सच था नहीं, लेकिन मैं डुकू का कुछ नया वर्कशीट्स बना रही थी एंड उसी चक्कर में मुझे कुछ पुराने वर्कशीट्स मिल गए। सो आई थॉट व्हाई डोंट आई शेयर दैट विद यू। ये कुछ एक साल पुराने हैं, मतलब अगर आपका बच्चा 2.5 तक का है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। नाउ एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, सबके जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है, लेकिन आप इस चक्कर में नहीं बैठ सकते हो कि कब आपका बच्चा खुद से आके आपको बोले कि मम्मा नाउ आई एम रेडी एंड नाउ लेट्स ट्राई सम वर्कशीट। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, आपको ट्राई करते रहना है। आपको देखना है कि कब आपका बच्चा कंफर्टेबल होता है उन सारी चीज़ों में। सो इसलिए आपको ट्राई करना है। इट्स नॉट लाइक कि बच्चा तो उसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? तो आप उसको जैसा इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे जैसे आपको उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे, वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे हर चीज़ में। सो ठीक है, चलो ज्ञान बहुत हो गया अभी, विदाउट एनी फादर वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज डेफिनेटली बी द पैटर्न एक्टिविटी। इसमें मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें कुछ छह पैटर्न्स हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ये स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन को मिला के मैंने एक पैटर्न बनाया है। आप चाहे तो कुछ अलग अलग तरीके से भी, लाइक स्लिपिंग लाइन का अलग, स्टैंडिंग लाइन का अलग, स्लिपिंग लाइन का अलग करके भी आप उनको, बच्चों को दे सकते हो। नेक्स्ट ये है स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट और राइट, इसको भी मिला के मैंने एक माउंटेन जैसा ये बनाया हुआ है। आपको चाहिए तो आप इसको भी अलग करके दे सकते हो। सो दिस काइंड ऑफ जो ये है पैटर्न्स है, वो मैंने बच्चे को दिया हुआ है डुकू को। सो आप ऐसे भी दे सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो हर एक चीज़ को अलग अलग करके भी दे सकते हो। द नेक्स्ट एक्टिविटी, जब आपका बच्चा अच्छे से ए टू जी सीख जाए, तब आप उसको ये चीज़ दे सकते हो, ताकि उनका भी रिविजन हो जाए और आपको भी पता लग जाए कि आपका बच्चा कितना सीखा है, कितना सीख चुका है। सो इसलिए इस तरीके का वर्कशीट जो है वो बच्चे के ब्रेन को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा होता है। उनका जो माइंड है वो बहुत अच्छे से दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में रिस्पॉन्ड करता है, और बच्चे का जो ए टू जी इसका प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इस ये वाले वर्कशीट से, पहले मैं आपको ये वाला शीट दिखाना चाहूँगी फॉर श्योर। देखिए, दिस इज़ अ काउंटिंग एक्टिविटी, ठीक है? काउंटिंग के लिए मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है और उसके अकॉर्डिंग एक बॉल ड्रॉ किया है, एंड इसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में किया है, ताकि बच्चों को, बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो कभी भी ना जाए। बच्चों को कलर्स बहुत पसंद है, तो इसी चक्कर में मैंने इतने सारे कलर्स यूज़ किया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ऑरेंज के लिए 1। सो नाउ इसको आप कैसे कराएंगे? आप उसको बोल सकते हो कि हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स आर देयर, हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर देयर। सो बच्चा जो है वो आपको काउंट करके बताएगा, एंड जब वो काउंट कर रहा होगा, सो शी कुड सी हर सेल्फ दैट कि उसने सही बोला कि गलत बोला। तो क्या होगा, बच्चे का जो माइंड डेवलपमेंट है काउंटिंग के प्रति, वो इस टाइप के वर्कशीट्स में बहुत अच्छा हो जाता है। नाउ जब आप अच्छे से इसको काउंटिंग का एक्टिविटी करवा देता है अप टू 10, तब आप उनको ये एक्टिविटी दीजिए कि ड्रॉ द डॉट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर। रैंडम ऑर्डर्स में 10 तक आप नंबर दे दीजिए और उनको उनके अकॉर्डिंग सर्कल या डॉट्स या लाइन ये सब ड्रॉ करने के लिए दीजिए। तो बच्चे का जो काउंटिंग है वो बहुत अच्छे से उनका कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला वर्कशीट है उसके नाम का, लाइक डुकू का नाम आराध्या शाह है, सो मैंने उसको बड़े 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 साइज में ये उसका नाम लिख के दिया है। सो शी कुड ट्रेस आर नेम एंड
could able to write her name also. So इसके चक्कर में मैंने ये उसको दिया हुआ है. Next activity है find the number and circle. Now जब आपका बच्चा 1 से 10 तक पढ़ रहा है या 1 से 20 तक पढ़ रहा है, so सिर्फ पढ़ना ही हमारा गोल नहीं है. हमको चाहिए कि बच्चा नंबर्स को आइडेंटिफाई भी करे. सो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सारे वर्कशीट, ये वाला वर्कशीट बहुत अच्छा होता है कि जैसे आपने एक नंबर दे दिया और साइड में आपने कुछ रैंडम ऑर्डर्स में नंबर लिख के दे दिया. सो योर चाइल्ड हैज़ टू फाइंड ये नंबर इधर में कहाँ कहाँ आए हैं. सो एंड उसको सर्कल करना है. लाइक यहाँ पे 2 है, सो आपने जो इतने यहाँ पे जहाँ भी 2 उसको दिखेगा, दे हैव टू सर्कल इट. इस तरीके से मैंने 9 तक दिया हुआ है. नेक्स्ट शेप सिखाने के लिए ये एक्टिविटी आप कर सकते हो. लाइक इस साइड में कुछ शेप्स और इस साइड में कुछ रैंडम ऑर्डर्स में शेप देके उनको बोल सकते हो कि दे कुड मैच ऑल द शेप्स. मैचिंग एक्टिविटी करना बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि एक तो बच्चे का जो राइटिंग है वो उसमें प्रैक्टिस होता है एंड फिर उनको पसंद भी आता है ये सब करना. उनका पेन का जो ग्रिप है वो भी अच्छा होगा. तो ये है एक शेप का एक्टिविटी. नाउ दिस इज कलर मैचिंग एक्टिविटी. बच्चे को कलर्स का उतना वो लोग नहीं जान पाते हैं कि कौन सा क्या कलर है, तो इसके लिए आप उनको ये वाली एक्टिविटी दे सकते हो ताकि बच्चे का जो कलर नॉलेज है वो डेवलप्ड हो सके. ओके, नाउ सेम ये एक और कलर एक्टिविटी है. मैंने यहाँ पे रैंडम फिशेज ड्रॉ किया है एंड शी हैज़ टू कनेक्ट ऑल द सेम कलर फिशेज. नेक्स्ट यहाँ पे कुछ बॉल्स मैंने ड्रॉ किया है एंड शी हैज़ टू कनेक्ट ऑल द सेम कलर बॉल्स. नाउ ये वाले एक्टिविटी में मैंने डुकू को ये पैटर्न दिया है स्लीपिंग लाइन का. आप चाहे तो स्टैंडिंग लाइन पैटर्न में भी ये बॉल्स दे सकते हो. लाइक जब वो ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेगी तो एक स्लीपिंग लाइन बनेगा. अगर आप इसी को एक इस तरीके से दोगे कि ऊपर एक नीचे एक, तो वो स्टैंडिंग लाइन पैटर्न बनेगा. सो इस तरीके से कोई भी पैटर्न में आप इसको दे सकते हो. नाउ दिस इज अ फॉलो द पैटर्न एक्टिविटी. लाइक यहाँ पे उसको ज्वाइन करना है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 एंड जब वो ये ड्रॉ करेगी इट विल शेप लाइक अ माउंटेन. यहाँ पे मैंने स्क्वायर का दिया है एंड यहाँ पे मैंने ट्राइंगल का दिया है. तो इससे दो चीज़ हो जाता है, एक तो बच्चे का जो कनेक्टिंग है वो भी अच्छे से हो जाएगा और जब वो एक शेप का फॉर्म करेगा बच्चा उससे वो शेप भी सीखेगा. Now spare me for the drawing guys because I'm not a painter. So बच्चे को सिखाने के लिए ये सब किया हुआ है मैंने, लेकिन please spare me for that. Now यहाँ पर मैंने randomly कुछ fruits and vegetables दिया हुआ है and बच्चे को ये differentiate करने के लिए कि fruits कौन से हैं, vegetables करने कौन से हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 boxes बनाया है, एक fruit का एक vegetables का. So जो fruits हैं यहाँ पे तो उनको लेके इसको इस ball में connect box में connect करना है और जो vegetables हैं उनको लेके इसको veggie के box में connect करना है. इससे दो चीज़ होगा, एक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का कौन सा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा. सेकेंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जो डिफरेंस है वो भी बच्चा आपका समझ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मैच द नंबर एक्टिविटी में. ये है मैंने यहाँ पे रैंडम कुछ ड्रॉ किया हुआ है, उसको बच्चे को काउंट करना है एंड दे हैव टू मैच. नाउ इसमें भी सेम है, ये जो काउंट एंड मैच का एक्टिविटी है ना गाइस, जितना आप करोगे, जितना बच्चे के लिए प्रैक्टिस करवाओगे, उतना ही बच्चे का जो काउंटिंग है वो अच्छा होगा. बट आपको ये ध्यान में रखना है कि एक ही तरीके का एक्टिविटीज़ आप उसको ना दे तो बच्चा बोर हो जाएगा, फिर नहीं करेगा. सो इसलिए एक और मैंने यहाँ पे ये दिया है. नेक्स्ट बच्चे को लेफ्ट और राइट सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ एरोज ड्रॉ किया है एंड डुगो हैज़ टू कलर द लेफ्ट वन विथ येलो एंड द राइट वन विथ पिंक. सो इससे बच्चे का लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट होगा. ये है क्यू एंड बी जो उसको यहाँ इसमें से फाइंड करना है. एक्चुअली डुगू को ये 2 लेटर्स में बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही थी दैट टाइम, तो इसलिए मैंने ऐसा एक एक्टिविटी दे दिया उसको. सो उसको उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो अच्छा हो सके. नाउ
अगर आपके बच्चे का मोस्ट कॉमनली जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो बी और डी में होते हैं स्मॉल लेटर्स के, तो आप उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए भी इस तरीके का एक्टिविटी उसको दे सकते हो. नेक्स्ट, दिस इज फुल एंड एम्प्टी कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये दिया हुआ है. मैंने यहाँ पे कुछ क्लासेस ड्रॉ किया है एंड डुकू हैज टू फाइंड आउट विच वन इज फुल एंड विच वन इज एम्प्टी. सो इस तरीके के एक्टिविटीज से बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है फुल एम्प्टी का वो क्लियर होता है. नेक्स्ट, यहाँ पे अनदर वन काउंटिंग एक्टिविटी. यहाँ पे मैंने कुछ क्लाउड्स बनाया है, उसमें से कुछ रेन ड्रॉप ड्रॉ किया है एंड डुगू को ये रेन ड्रॉप्स जो है उसको काउंट करना है और क्लाउड के इनसाइड लिखना है कि कितने रेन ड्रॉप्स है. तो इस चक्कर में बच्चे का जो राइटिंग है वो भी हो जाएगा, काउंटिंग भी अच्छे से हो जाएगा. नाउ दिस इज अनदर लेफ्ट एंड राइट एक्टिविटी. यहाँ पे जैसे मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ किया है एंड उसको बीच में से हाफ कर लिया है, सो इट कुड हैव अ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. सो डुगू हैज टू फाइंड आउट द राइट साइड इसमें, इस एक्टिविटी में. लेकिन कभी कभी मैं इसी में उसको लेफ्ट वाला भी करवा देती हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कंप्लीट द सीक्वेंस एक्टिविटी फॉर 1 to 10 नंबर एंड दिस इज फॉर द अल्फाबेट सीक्वेंस. ठीक है, इसमें मैंने वही सारे दिया हुआ है जो डुगू को लिखने में थोड़े से प्रॉब्लम होते थे, तो इसलिए इतने सारे मैंने इसमें दिया है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज अनदर काउंट एंड मैच एक्टिविटी. तो जैसे कि आपने देखा कि इन एक्टिविटीज़ में मैंने बहुत सारे काउंट एंड मैच एक्टिविटी दिया हुआ है, लेकिन हर एक एक्टिविटी अपने दूसरे से अलग है. सो बच्चा बोर नहीं होगा और अच्छे से ये करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किया है एंड बच्चे को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं. या सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज. ये सारे वर्कशीट्स आप बच्चे पे ऊपर ट्राई कर सकते हो. ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख के अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो. मैं मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वर्कशीट्स को लेके. तब तक के लिए बी हैप्पी कीप स्माइलिंग गाइज. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा. बाय गाइज.